साहब मैं अभी जिंदा हूँ। सरकार जिस आधार पर नागरिकों को सारी सुविधाएं दे रही है उसी के जिम्मेदार अधिकारी उसी आधार को निराधार बता रहे हैं। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपना आधार लेकर जिम्मेदारों से खुद को जिंदा करने की गुहार लगा रही है। दरअसल मामला संत कबीर नगर के बैलहर कला का है, जहां जिंदा होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। संत कबीर नगर जनपद बैलहर कला की बुजुर्ग महिला ब्लॉक दफ्तर का चक्कर लगाकर अपने जिंदा होने की गुहार लगा रही है, लेकिन एडीओ पंचायत जांच कराकर जिंदा होने की पुष्टि करने की बात कह रहे हैं। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुखा देवी अपने परिवार के साथ अपने गांव बैलहर कला में रहती है। महिला को भनक लगी कि उसके पाटीदारों ने कागजों में उसे मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़पना चाह रहे हैं, तो महिला ने इस बात की जानकारी करने के लिए बैलहर कला ब्लॉक पहुंची। महिला को पता चला कि परिवार रजिस्ट्रार में अधिकारियों ने मिलीभगत से उसे 3 वर्ष पूर्व ही मृत घोषित कर दिया गया है। महिला चीख चीख कर कह रही है कि मैं जिंदा हूँ साहब, लेकिन साहब को कोई फर्क नहीं आराम फरमा रहे अधिकारी जिंदा होने का प्रमाण मांग रहे हैं। महिला ने निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं। महिला ने अपने जीवित होने के प्रमाण पत्रों के साथ साथ एफिडेविट भी प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी एडीओ मानने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? कौन गाँव है, कौन गाँव का रहा? तो अभी कागज में आपके जो है मृत घोषित कर दिले बाटे, अभी जिंदा बाटे हुआ आप, तो का दिक्कत नहीं हो? काहे जैसन भाटा जिंदा बात, काहे आखिर मृत घोषित कर दिले बाटे? मतलब घर मालिक हमारे पहले मर गए रहे, ससुर हमारे वाला जोड़ के अपन नाम चढ़वा ले। अब एडीओ पंचायत साहब का कहना है, जो है एप्लीकेशन आया था मेरे पास सिग्नेचर को हमने जांच करने के लिए आदेश किया, करके आख्या देंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर ये चूक हुई है तो इसको लेकर के कौन जिम्मेदार माना जा सकता है इसके? क्योंकि परिवार ईश्वर का कस्टोडियन जो है सिग्नेटरी होता है। क्या आगे अगर इसमें चूक निकलती है तो क्या सिगरेट के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं? सिगरेटरी कौन था, कौन किया है, उसे जाँच करने के बाद ही पता। साहब आखिर आपकी जांच कब पूरी होगी और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर बुजुर्ग महिला यूं ही ब्लॉक का चक्कर लगाती रहेगी? वही इस गंभीर मामले पर एडीयू पंचायत के रवैये से उन पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं।